तो आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे जर्सी मूवी ट्रेलर के बारे में जो बॉलीवुड लेके आ रहा है, और ये मूवी जो है वो रीमेक है, साउथ की ही एक मूवी है जिसका नाम सेम टू सेम जर्सी है, मतलब बॉलीवुड ने वो नाम सेम टू सेम ही रखा है, वो साउथ वाली तो ओरिजिनल है, ये रीमेक बन रही है। आपने अगर वो मूवी देखी है तो अच्छी बात है, मैंने तो वो मूवी देख रखी है, यानी साउथ की जो ओरिजिनल मूवी है वो मैंने देख रखी है, काफी बढ़िया मूवी है। खैर उसके ऊपर कम ध्यान रखते हैं, मेन फोकस हम जो न्यू जर्सी आ रही है, मतलब नई वाली जो जर्सी आ रही है 2021 के अंदर 31 दिसंबर को ये रिलीज होने वाली है, लगभग एक महीना ही रह गया है इस मूवी को रिलीज होने में, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। स्टोरी जो है वो सेम टू सेम रखी गई है, आपने अगर पुरानी मूवी मतलब कि जो ओरिजिनल मूवी है वो देख रखी है और इसका ट्रेलर देखा है जो अभी रिलीज हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि कहानी सेम टू सेम रखी गई है। बहुत सारे मतलब लगभग सारे सीन मुझे सेम टू सेम ही लगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि इसमें थोड़ी बहुत फेरबदल की गई है। हाँ थोड़ी बहुत भाषा को लेकर वहां फेरबदल है, लेकिन बाकी सेम टू सेम ही है चीजें। अब देखो यार, जो ओरिजिनल जर्सी है, जो साउथ की जो मूवी है जर्सी, उसमें कहानी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी वो मूवी और अभी भी मुझे वो पसंद है। परफॉर्मेंस में मुझे वो मूवी अव्वल दर्जे की लगी है, मतलब इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, मतलब नानी ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने एक्सप्रेशन इतने जबरदस्त पेश किए हमारे सामने कि उनको वो मतलब वो सीन अभी भी याद है मुझे, अपने बेटे की जिद को पूरा करने के लिए, और जब उनके बेटे के कह रहे थे कि मुझे जर्सी चाहिए, जिस तरीके की वो कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर जो गुस्सा है, निराशा है, फेल होने का जो एक तरीके का गिव अप कर देने की जो उनके अंदर, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से दिखाया जाता है कि वो एकदम टूट चुके हैं, तो इतने सारे इमोशन इतने बढ़िया तरीके से हमारे सामने उन्होंने रखे हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, एक तरीके का मास्टरपीस है, सच में मास्टरपीस है ये चीज़। तो कहानी इतनी अच्छी है, उसके ऊपर इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की गई है, तो ये जो दोनों चीजें एक साथ मिलती है ना, तो उस मूवी का एक दिल में अलग जगह बन जाता है। अब उम्मीदें हमारी और ज्यादा बढ़ जाती हैं, अब ये मूवी आ रही है हिंदी यानी बॉलीवुड के अंदर, ये जो मूवी बना रही है या बन चुकी है, आने वाली है, इससे एक्सपेक्टेशन ये है कि यार जो हमारी यादें जो बन चुकी हैं उस पुरानी मूवी के या ओरिजिनल मूवी से, तो वो चीजें खराब ना कर दें यार। अभी देखो यार, सच कहूं, ये जो ट्रेलर मैंने देखा है तो मुझे अच्छा लगा है, इसमें कोई भी मुझे कमी नहीं नजर आई है, जितना ट्रेलर देखकर पता चल रहा है शाहिद कपूर की जो उन्होंने परफॉर्मेंस की वो अच्छा लग रहा है, ट्रेलर में जितनी भी उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। उम्मीदें तो फिर भी वही रहती हैं कि यार देखो ट्रेलर है, कुछ नहीं पता मूवी के अंदर क्या होने वाला है, या स्टोरी के अंदर चेंज किया गया है नहीं किया गया है, या करेक्टर जो अलग हैं वो उनके बारे में क्या होने वाला है, तो काफ़ी सारे सवाल रहते हैं यहाँ पर। लेकिन मतलब ट्रेलर के बारे में तो कह सकते हैं कि अच्छा है, बट ये उम्मीद करेंगे कि यार जितना हमने जो मूवी देखी है साउथ की जो ओरिजिनल मूवी है, जितनी मतलब उससे हम कनेक्ट हुए हैं, जो यादें हमारे साथ उसके साथ बनी हैं, वो खराब ना हो जाए। एटलीस्ट आप उससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते तो उससे कम प्रोवाइड मत ही करना, मतलब उसके लेवल का तो रखो यार, उसके बराबर का रख के लेकर आओ। और अब एक जो मैंने चीज़ पढ़ी जर्सी मूवी के जो ट्रेलर था, इसके कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे जो लोग कमेंट कर रहे थे कि देखो यार ये कॉपी है, फिर से कॉपी लेके आ रहे हैं, तो देखा यार मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है, अगर कोई चीज़ अच्छी है उसको प्रमोट किया जा रहा है विद क्रेडिट के साथ, भाई क्रेडिट दिया जा रहा है कि हमने यहाँ से लेकर या हम इनसे इंस्पायर होकर, ये हमें मूवी पसंद है और इस मूवी को हम यहाँ पर रीमेक बना रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि हम बहुत सारे दर्शक तक ये मूवी पहुँचेगी, स्टोरी पहुँचेगी। और अच्छी चीज़ है कि साउथ मूवीज़ जो हैं वो अब धीरे धीरे हमारे टाइम मतलब कि यहाँ नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं और उनकी रीमेक को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा, तो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ को प्रमोट कर रहा, तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती जब तक कि उसका अच्छे से मतलब एकदम बढ़िया बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। ये बॉलीवुड अपनी जो थिंकिंग है उसके अंदर ना ही घुसेड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को ये मूवी का ट्रेलर कैसा लगा तो प्लीज कमेंट में बता देना, और अगर आप लोगों ने ये जो ओरिजिनल जर्सी मूवी देखी है तो प्लीज उसके बारे में बता देना कि आपको वो कैसी लगी, अगर नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस आज के लिए इतना ही, रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।